नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है मिर्जापुर से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रिजवान अहमद को यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव बनाया, जिससे जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उनके प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताते चले, सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं का कद देख कर पद देती है और रिजवान अहमद शुरू से ही पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता रहे। उनकी कार्यशैली देख कर ही अखिलेश यादव ने उन्हें प्रदेश सचिव बनाकर उन्हें पुरस्कृत किया है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल राजा ने हम युवाओं पर भरोसा करके मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में प्रदेश सचिव का दायित्व दिया है मुझे। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम युवाएं 2022 में समाजवादी की सरकार बनाएंगे और लोगों को बीच जाके ये विफलता, भाजपा की जितनी विफलता की कार्यक्रम है और जितनी भी चीजें हैं, हम जनता को बताएंगे।